Exactamente. Hola. इकडे लक्ष द्या आता. माईक. आवाज येते का माझा? हो सर. तर मागेचा जो टॉपिक पहिला होता तो आपण जो फंडामेंटल टॉलरन्स आणि फंडामेंटल डेव्हिएशन लिमिट फिट बद्दल माहिती पाहिलेली होती, पण टाइप्स ऑफ फिट, फिट म्हणजे काय होते याच्याबद्दलची पण माहिती दिली होती मी, आणि लिमिट, लिमिट म्हणजे काय, तो जो माप असते, माप म्हणजे जो संभाव्य माप असते त्याला लिमिट असे म्हणतात. बरोबर. आपण एखादी वस्तूला अंदाजे त्याचा लांबी किंवा त्याची रुंदी किंवा त्याची विड्थ, थिकनेस हे ठरवत असतो. बरोबर. सर. तर टाइप्स ऑफ फिट मी समजून देतो तुला. डिस्प्ले वर बिलकुल दिसतंय ना? क्लिअर. हा सर, क्लिअर दिसतंय. हा, व्हॉट इज फिट, व्हॉट इज फिट मतलब म्हणजे काय होते की एक दुसरे में आवश्यकतानुसार दो असेंबल होने वाले पार्ट. दो असेंबल होने वाले पार्ट का मतलब क्या होता है? फिटिंग जब चलते दो आपस में जोड़े जाने वाले पार्ट को असेंबल. जो जो असेंबली होती है उसको फिट कहते हैं. समझ ला था फिट म्हणजे काय? हा सर, समजलं का फिट म्हणजे काय? हो सर. आणि टाइप्स ऑफ, हा, फिट म्हणजे दोन पार्टना जोडणे याला फिट म्हणतात साध्या भाषेत. समजला आता? हो सर. हा, आणि नेक्स्ट बघा की टाइप्स ऑफ फिट आयएसआय के अनुसार फिट तीन प्रकार की होती है. आयएसआय का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूट. बरोबर. आयएसआय म्हणजे काय होते? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूट. तर याच्या अनुसार फिटचे किती प्रकार आहेत? तीन प्रकार आहेत. क्लिअरन्स फिट, इंटरफेरन्स फिट आणि ट्रान्झिशन फिट. बरोबर. हा, तर क्लिअरन्स फिट, इंटरफेरन्स फिट आणि ट्रान्झिशन फिट अशा तीन प्रकारचे मुख्य प्रकार फिटचे किती आहे? तीन आहे. तर त्याच्यानुसार त्याच्यानुसार आपण पहिला प्रकार बघू, क्लिअरन्स फिट. बरोबर. हॅलो, आवाज येत आहे का? हॅलो, आवाज नाही येत माझा क्लिअर? येत आहे सर आता. हा, आता व्हिडिओ बंद झाला होता. अब देखो की टाइप्स ऑफ फिट आयएसआय के अनुसार तीन प्रकार की फिट होती है. एक क्लिअरन्स फिट, इंटरफेरन्स फिट और ट्रांजिशन फिट. बरोबर. ये तीन प्रकार के, मुख्य तीन प्रकार के फिट है. तो इसमें से पहला प्रकार हम देख रहे हैं, एक एक नंबर की, एक नंबर कौन सा है? क्लियरेंस फिट. अभी समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? बाद में. हाँ, ये जो ये इसकी पीडीएफ जो है इसकी लिंक मैंने ग्रुप पर शेयर किया हूँ, वो देख लो आप. तो ध्यान दो, क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट में एक ही सेंटेंस में इसका पूरा अर्थ है कि जब शाफ्ट होल, शाफ्ट आणि होल या दोन मधला अंतर समजला का? शाफ्ट आणि होल. हो सर. शाफ्ट आणि होल या दोघांमधला अंतर मी याच्या अगोदर समजून सांगितला होता. ये देखो की जब शाफ्ट होल, शाफ्ट होल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम सके, उसे घूमने में कोई भी रुकावट न हो, इसे क्लियरेंस फिट कहते हैं. समझ में आया क्या अभी? शाफ्ट और होल मतलब आटा चक्की देखी है क्या आप लोगों ने? आटा चक्की में एक मोटर होती है पीछे साइड में. बराबर. उसमें एक शाफ्ट लगा होता है, वो शाफ्ट स्वतंत्र रूप से घूमता है. बराबर है. सर. स्वतंत्र रूप से घूमता है, इसे क्लियरेंस फिट कहते हैं. क्लियरेंस मतलब वो दोनों के बीच का जो अंतर है, शाफ्ट एवं होल, होल में जो शाफ्ट है वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, उसमें जो टॉलरेंस है वो अधिक दिया है. आया समझ में? उसको कौन सी फिट कहते हैं? क्लियरेंस फिट कहते हैं. आया समझ में? क्लियरेंस फिट. तो हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हाट इज क्लियरेंस, व्हाट इज क्लियरेंस. क्लियरेंस मतलब क्या? कि होल और शाफ्ट के साइज के बीच के अंतर को क्लियरेंस कहते हैं. समझ में आया? समझ में आया क्या? अरे एखादी दो पार्ट हम लोग फिटिंग कर रहे हैं तो फिटिंग में दोनों पार्ट का माप एक हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता. तो इसीलिए होल और शाफ्ट के साइज के बीच के अंतर को क्लियरेंस फिट कहते हैं. समझ में आया अभी?
जो भी फिटिंग होने के बाद दो पार्ट के बीच में जो अंतर होता है उसे क्लियरेंस फिट कहा जाता है। समझ में आया अभी? अभी नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट के भी ये सब टाइप्स है। सब टाइप्स मतलब समझ में आया क्या? सब टाइप्स ये जो है इधर देखो, ये मेन टाइप्स है फिट के, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। तो इसमें क्लियरेंस फिट के कोई सब टाइप्स होंगे, इंटरफेरेंस फिट में भी और टाइप्स होंगे, ट्रांजिशन फिट में क्या क्या आते हैं वो और टाइप्स होंगे। हम फिलहाल कौन सा देख रहे हैं? क्लियरेंस फिट देख रहे हैं। क्लियर? हाँ, तो क्लियरेंस मतलब समझ में आया क्या? अभी मैंने डेफिनेशन बताया कि होल और शाफ्ट के बीच के अंतर को क्लियरेंस कहते हैं। जब हम लोग दो पार्ट बना रहे हैं तो एक दूसरे में फिटिंग करते समय फिट होने के बाद एक दूसरे के बीच में जो भी अंतर बचता है उसे क्लियरेंस कहा जाता है। बराबर? तो क्लियरेंस फिट के दो प्रकार है, एक मैक्सिमम क्लियरेंस फिट, एक मिनिमम क्लियरेंस फिट। तो मैंने इसके पहले आप लोगों को समझाया था कि मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। बराबर? मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। न्यूनतम मतलब कम से कम माप को हम क्या कहते हैं? मिनिमम लिमिट ऑफ साइज कहते हैं, और अधिक से अधिक माप को हम लोग मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कहते हैं। तो इसमें देखो कि टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट में दो प्रकार है, मैक्सिमम क्लियरेंस फिट और मिनिमम क्लियरेंस फिट। तो इसमें पहला प्रकार देखो कि मैक्सिमम क्लियरेंस फिट में अधिकतम होल साइज और न्यूनतम शाफ्ट साइज के अंतर को मैक्सिमम क्लियरेंस फिट कहते हैं। मतलब मैक्सिमम क्लियरेंस फिट में होल का साइज बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे दे रहा है अधिकतम होल साइज और न्यूनतम शाफ्ट साइज, मतलब होल का साइज बड़ा है और शाफ्ट का साइज क्या है? छोटा है। तो इसके साइज के अंतर को मैक्सिमम क्लियरेंस फिट कहा जाता है। बराबर? उसके बाद देखो सेकंड, मिनिमम क्लियरेंस फिट। मिनिमम क्लियरेंस फिट में क्या होगा कि मिनिमम होल साइज और मैक्सिमम शाफ्ट साइज। अभी इसका दोनों का अंतर समझ में आया क्या? हाँ सर। मैक्सिमम क्लियरेंस फिट और मिनिमम क्लियरेंस फिट में क्या अंतर है कि मैक्सिमम क्लियरेंस फिट में होल का साइज अधिक होता है और शाफ्ट का साइज कम होता है। इसके अंतर, साइज के अंतर को मैक्सिमम क्लियरेंस फिट कहा जाता है। और सेकंड है मिनिमम क्लियरेंस फिट। तो मिनिमम क्लियरेंस फिट में मैक्सिमम क्लियरेंस फिट के उल्टा होता है। इसमें होल साइज बड़ा होता है, शाफ्ट का साइज छोटा होता है। इसमें हाँ, तो इसमें मिनिमम क्लियरेंस में होल का साइज बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज मिनिमम होता है, छोटा होता है। शाफ्ट साइज छोटा बड़ा होता है मतलब मिनिमम होता है। समझ में आया अभी दोनों के बीच का अंतर? ये आपके सामने है कि टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट में दो प्रकार की फिट है, मैक्सिमम क्लियरेंस फिट, मिनिमम क्लियरेंस फिट। तो मैक्सिमम क्लियरेंस फिट में अधिकतम होल साइज और न्यूनतम शाफ्ट साइज, और मिनिमम क्लियरेंस फिट में मिनिमम होल साइज मतलब होल की साइज छोटी है और शाफ्ट का साइज बड़ा है। आया समझ में अभी? तो इसे मिनिमम क्लियरेंस फिट कहा जाता है और मैक्सिमम क्लियरेंस फिट कहा जाता है। तो इस प्रकार क्लियरेंस फिट क्या होता है मैंने समझाया आप लोगों को कि इसमें जब शाफ्ट होल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम सकता है इस प्रकार की फिट को क्लियरेंस फिट कहा जाता है। बाद में व्हाट इज क्लियरेंस क्या है ये भी बताया था मैंने कि होल और शाफ्ट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? क्लियरेंस कहते हैं। और क्लियरेंस में टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट हम लोग अभी टाइप्स ऑफ फिट देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ फिट में से पहला प्रकार क्लियरेंस फिट देख रहे हैं। बाद में टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट के दो प्रकार है, मैक्सिमम क्लियरेंस फिट और मिनिमम क्लियरेंस फिट। तो मैक्सिमम क्लियरेंस फिट में अधिकतम होल साइज और न्यूनतम शाफ्ट साइज है, इसके अंतर को मैक्सिमम क्लियरेंस फिट कहा जाता है। और बाद में मिनिमम क्लियरेंस फिट जो है इसमें मिनिमम होल साइज है और मैक्सिमम शाफ्ट साइज है। ओके, इतना समझ में आया कि क्लियरेंस फिट क्या होता है? हाँ, तो अभी नेक्स्ट फिट का प्रकार है ट्रांजिशन फिट। कौन सा प्रकार है? ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट हो गया, सेकंड
हाँ ये मुख्य प्रकार है ट्रांजिशन फिट, ये टाइप्स ऑफ फिट का दूसरा मुख्य प्रकार है बराबर। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन पढ़ो कि क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच की जो फिटिंग होती है उसे ट्रांजिशन फिट कहा जाता है। मतलब टोटल प्रकार कितने हैं, तीन है, एक क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट बराबर। तो एक बात ध्यान में रख लो कि इंटरफेरेंस फिट में होल और शाफ्ट का साइज मिनी मैक्सिमम दोनों का सेम होता है बराबर, लेकिन क्लियरेंस फिट में होल साइज कम होता है, शाफ्ट साइज ज्यादा होता है, या शाफ्ट साइज ज्यादा होता है, कभी होल साइज कम होता है, ये डायमेंशन चेंज होते रहते हैं बराबर। तो ट्रांजिशन फिट में क्या होता है कि क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट ये दोनों फिट के बीच के फिटिंग को ट्रांजिशन फिट कहते हैं। मतलब ट्रांजिशन फिट मतलब क्या है कि एकदम ज्यादा क्लियरेंस भी नहीं होता है और इंटरफेरेंस भी नहीं होता है। इंटरफेरेंस मतलब शाफ्ट और होल का साइज दोनों का सेम है और इस पार्ट को फिटिंग करते समय किसी हथौड़े या लकड़ी का इस्तेमाल करके उसको ठोक कर फिट किया जाता है, और इंटरफेरेंस फिट में कोई भी पार्ट आसानी से स्लाइड नहीं होता है। जो फिट एकदम पक्की बनानी होती है इसके लिए इंटरफेरेंस फिट के उपयोग किया जाता है। तो ये तीसरा प्रकार मैं बाद में बताऊंगा इंटरफेरेंस फिट, अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया उसका। तो ट्रांजिशन फिट में देखो, ट्रांजिशन फिट में क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो कोई ट्रांजिशन फिट कहा जाता है उसको बराबर है। और ट्रांजिशन फिट में ये देखो, ऊपर देखो, ये दिख रहा है ना डिस्प्ले के ऊपर सर। हाँ, तो ट्रांजिशन फिट के जो सब टाइप्स है वो ट्रांजिशन फिट के सब टाइप्स में पहला ये रनिंग फिट, स्लाइडिंग और पुश फिट, और फिट ड्राइविंग फिट और श्रिंक फिट बराबर है। ये इतने पांच प्रकार के ट्रांजिशन फिट में होते हैं। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे रनिंग फिट, पहला क्या पढ़ेंगे रनिंग फिट। अभी जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग होने के बाद इसका वीडियो शेयर करूंगा, वीडियो वो तीन चार बार देखना है, नहीं समझ में आया तो इसकी सेम पीडीएफ मैंने ग्रुप पर भेजा हूँ वो उसको देखने का, क्लियर। तो देखो कि ट्रांजिशन फिट में, ट्रांजिशन फिट का मतलब होता है क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो कुछ अंतर रहता है उसे ट्रांजिशन फिट कहा जाता है। और इसका पहला सब टाइप्स है रनिंग फिट। रनिंग फिट में देखो कि इसके डेफिनेशन ये देखो कि फिट होने वाले पार्ट जब एक दूसरे के अंदर बिना किसी रुकावट के घूमते हैं तो उसे रनिंग फिट कहा जाता है। तो रनिंग फिट में एक दूसरे के बीच में पार्ट क्या होते हैं, घूमते हैं, इसलिए ये रनिंग वर्ड का मतलब समझ में आया आप लोगों को, ये रनिंग वर्ड का मतलब समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर। हेलो, रनिंग का मतलब होता है घूमना बराबर है। तो रनिंग फिट में फिट होने वाले पार्ट जब एक दूसरे के अंतर बिना किसी रुकावट के घूमते हैं इसे रनिंग फिट कहा जाता है। बाद में देखो स्लाइडिंग और पुश फिट। स्लाइडिंग और पुश फिट में क्या है कि हम लोग सिर्फ ऐसी एकाधी जाप को हम लोग ऐसी फिट करना है कि वो सिर्फ स्लाइड होना चाहिए, आया समझ में? हमारे इधर प्रैक्टिकल भी है स्लाइडिंग फिटिंग के बहुत सारे जॉब थे बराबर। तो इसमें देखो स्लाइड और पुश फिट में इस फिट में रनिंग फिट की अपेक्षा कम क्लियरेंस रखा जाता है। तो इसलिए रनिंग फिट में पार्ट घूमता है और स्लाइडिंग फिट में एक दूसरे में पार्ट को स्लाइड किया जाता है बराबर। बाकी तीसरा है फोर्स फिट। तो फोर्स फिट में क्या होता है कि शाफ्ट और होल का साइज जो होता है वो समान होता है। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ, तो फोर्स फिट में क्या होता है जब शाफ्ट और होल का साइज दोनों समान होने के कारण उसको हथौड़े से या किसी लकड़ी से ठोक कर उसको फिट किया जाता है, उसके बीच में कुछ भी क्लियरेंस या ट्रांजिशन नहीं होता, दोनों भी पार्ट एक दूसरे को एकदम मजबूती से पकड़े हुए होते हैं और जो फिट को हम लोग करने के बाद आसानी से उसको निकाल नहीं सकते, आया समझ में? बाद में देखो ड्राइविंग फिट है। ड्राइविंग फिट, ड्राइविंग फिट में क्या होता है जब पार्ट को एक दूसरे के अंदर हथौड़े की चोट से फिट किया जाता है इसे ड्राइविंग फिट कहा जाता है बराबर। तो ये फोर्स फिट में क्या है कि फोर्स फिट की अपेक्षा ड्राइविंग फिट ये और मजबूत होता है, इसको हथौड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फोर्स फिट में हल्का सा अगर उसको फोर्स लगाने के बाद वो जॉब फिट हो जाएगा, आया समझ में? तो फोर्स फिट का एग्जांपल देखो, फोर्स फिट का एग्जांपल यहाँ पे दिया है मोटर। मोटर में जो शाफ्ट होता है उसमें फोर्स फिट होती है, समझ में आया?
बाद में चार नंबर है ड्राइविंग फीट। ड्राइविंग फीट में जब पार्ट को एक दूसरे के अंदर हथौड़े की चोट से फिट किया जाता है, मतलब इसमें एकदम मजबूती से पकड़ होती है। बाद में देखो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फिट। स्ट्रिंग फिट में इसमें होल के, ये देखो इसमें होल के साइज को शाफ्ट के साइज की अपेक्षा कम रखा जाता है। स्ट्रिंग फिट का मतलब क्या होता है कि इसमें होल साइज को शाफ्ट शार्प साइज पेक्षा होल साइज का तो कमी असतो, बरोबर? तर याला श्रिंक फिट असे म्हणतात, बरोबर? हॅलो, 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 आवाज येत आहे का? हो सर, येतो अजून पाणी